पुराने पाक देना अपना राबता मजबूत करो। आइए तवज्जो ना जो बात मैं सुनानी चाहना गौर दे नाल सुनिए। ओ यारी नाल कुरान दे लाल है तू अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू। एक हरफ तू पढ़े पढ़ावेगा दस नेकियां रब कोल पावेगा विच जन्नतियां लिख ख्या जावेगा विच चाती हदीस दे पाले तू। यारी नाल कुरान दे लाले तू अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू। एक करम खुदा फरमाया है सानू पाक कुरान अताया है। अल्लाह पाक दा करम है साढ़े ते इंशाअल्लाह रब करम साढ़े ते फरमाया है सानू पाक कुरान अताया है। किसे होर उम्मत दे हिस्से नहीं आया है। पढ़ सुबहान ते सीने ला लै तू यारी नाल कुरान दे ला लै तू अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू। अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हजराती गिरामी कदर अल्लाह ताला दी खास रहमत दे नाल नमाज़े ईशा बाजमात अदा करके अल्लाह ताला दे दीन नो सिखन सिखान दी नीयत नाल बैठे हो। अल्लाह ताला साडा इत्थे बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए और बख्शिश दा ज़रिया बनाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दी सारी जिंदगी साढ़े वास्ते बेहतरीन नमूना है। क्योंकि इंसान दी जिंदगी दे तीन अदवार ने। बोलो सारे किन्ने ने, सारे बोलो तीन अदवार। एक इंसान दा बचपन है, एक जवानी है और एक बुढ़ापा है। मैं अपनी बचपन जवानी नू देखा, तुसी बैठे हो नौजवान, तुसी अपनी जवानी देखो, बचपन देखो, बूढ़े लोग अपना बुढ़ापा भी देखन। क्योंकि दुनिया च जिंदगी बसर करने वाला हर इंसान इंसान जो बचपन के अंदर होंदा है उहदे कोलों कई ऐसे मामला सरजद हो जाते हैं। फिर जो इंसान अपनी जवानी दियां मंजिलां तय करता है, जवानी के अंदर इंसान बड़िया बड़िया ऐसिया हरकतां भी कर जाता है और फिर इंसान बुढ़ापे अंदर जाता है, बुढ़ापे अंदर भी इंसान के कोलों बड़े मामलात बन जाते। बरकैफ साडा ना बचपन बेदाग, ना साड़ी जवानी बेदाग और ना ही साडा बुढ़ापा बेदाग। तो याद रखिए सरवरे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो ना साडा बचपन
वह भी दागदार है, साड़ी जवानी भी दागदार है, साड़ा बुढ़ापा भी दागदार है। पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन देखिया जाए, यकीन जानिए आप दा बचपन भी बेमिसल है और बेमिसाल है। आप अलैहि सलातो वसलाम की जवानी देखी जाए, आप अलैहि सलाम की जवानी भी बेमिसल है और बेमिसाल है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुढ़ापा देखा जाए, आप का बुढ़ापा भी बेमिसल है और बेमिसाल है। यानी आप अलैहि सलाम की सारी दी सारी जिंदगी खुदा की कसम बेदाग है, एक दाग भी तो आप दी जिंदगी मुबारक अंदर नजर नहीं आएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जेड़ा अल्लाह का नबी हुंदा है, अल्लाह का रसूल हुंदा है, ओदी परवरिश अल्लाह की जात खुद करते ने ताकि मैं कल इन्हां नूं नबूवत देनी। नबूवत तो बाद कोई शख्स ऐसा उंगली ना कर सके कि ऐ साडे विच ये खेड़दे रहने, उन्हां दा बचपन इस तरह का सी, उन्हां दी जवानी इस तरह का सी, अज ये नबी बन के बैठे। तो बरखै पैगंबर अलैहि सलात व सलाम की जिंदगी मुबारक के कई पहलू ने। आज मैं पैगंबर अली सलाम की जिंदगी का एक ऐसा पहलू बयान करांगा कि आप अली सलाम का किरदार कैसा सी, किरदार आप अली सलाम का जिंदगी गुजारन का असलूब क्या है, जिंदगी आप अली सलाम ने किस तरह गुजारी है। क्योंकि अस भी नबी अली सलाम का कलमा पढ़िए, नबी अली सलाम की सारी जिंदगी साढ़े वास्ते नमूना है। तो इस वास्ते नबी अलैहि सलातो वसलाम की जिंदगी साढ़े वास्ते आइडियल है। तो इस हवाले नाल जिहड़ी कुरान पाक की मैं आया करीमा पढ़ी, इस दी रोशनी अंदर मैं इंशाल्लाह चंद बातें अर्ज करके अपनी बात खत्म करांगा। क्योंकि आ तुहानूं इलम है कि इस मस्जिद के अंदर अल्लाह की तौफीक के नाल हर एतवार की एतवार दरसे कुरान व हदीस का अहतमाम हुंदा है। एक महीना गैब पै गया, रमज़ान का महीना शुरू हो गया, रमज़ान दे विच फिर वह मामला नहीं बनता, तरावी पढ़नी हुंदी। तो इस वास्ते ये आज तो इंशाल्लाह आज पहला दरस है, ये इंशाल्लाह सिलसिला जारी और सारी रहेगा, इंशाल्लाह आंदे रहोगे ना इंशाल्लाह। मैं उन दोस्तों के वास्ते दुआ करना कि अल्लाह ताला जिहड़े पैसे खर्च करते ने तुहाडे वास्ते खाने का इहतमाम करते ने, तुहाडे नाल मुहब्बत करते ने, और फिर मुख्तलिफ उलमाई कराम तशरीफ ले आंदे ने, अल्लाह ताला सब दी कुरबानी सब दी मेहनत अल्लाह ताला अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। अज माशाअल्लाह साडे विच मेरे मोहतरम भाई खतीबे इस्लाम मौलाना अब्दुल्ला अमीन मदनी साहब तशरीफ ले आ चुके ने, इंशाअल्लाह उन्हां दा चौथा दरस है अल्लाह दी तौफीक नाल। उन्होंने अज मैं मसीत वहाण वास्ते लिया है क्योंकि उन्हां दा भी इंशाअल्लाह दरस है। तो अल्लाह ताला अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। आइए जरा सुनिए चंद बातें अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाया है। फरमाया कि नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिमत रब्बिका बिमजनून وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ پاک فرماتے ہیں قسم ہے قلم دی اونا قلم دی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں قلم دی قسم ہے تے جڑی قلم نے سطرہ لکھیاں نے اونا سطرہ دی قسم ہے محبوب جی اللہ نے توانو پاگل تے مجنون نہیں بنایا ہے تو آڈے واسطے اللہ پاک نے نام مکن والا اجر تیار فرما لے آئے اور آخر تے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور
آپ علیہ السلام نو اللہ پاک نے بلند و بالا کردار و اخلاق دا مالک بنایا ہے۔ اس آیت دی تفسیر اندر امام ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ تڑپ کے لکھ دے نے، فرمایا کہ اس آیت دے تحت امام صاحب بڑی پیاری گل لکھ دے نے، فرماندے نے قرآن ایک نہیں قرآن دو نے، بولو قرآن ایک نہیں قرآن، قرآن ایک نہیں قرآن دو نے۔ امام ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک قرآن تیاں پاریاں دی صورت اندر، ایک قرآن محمد مصطفیٰ دی صورت اندر، یعنی نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ دا چلدا قرآن پاک نے۔ آئی ادرا سنیے توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام والسلام نو اللہ پاک نے اتنا پیارا کردار و اخلاق دا مالک بنایا ہے، آؤ میں چند دلائل بیان کراں۔ بڑی پیاری گفتگو، ذرا توجہ نہ سنیے۔ نبی علیہ السلام دی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا کردار و اخلاق بیان فرماندیاں نے۔ نبی علیہ السلام تے پہلی وحی دا نزول ہوندا ہے، نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام آئے نے، جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیتا ہے، فرمایا محبوب جی ایک قرا پڑھیے، ایک قرا پڑھیے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ما آنا بیکار، میں پڑھیا ہویا نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر فرمایا ایک قرآ پڑھیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام دے جواب دے اندر پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ما آنا بیکار، میں پڑھیا ہویا نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اقرا پڑھیے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ما آنا بیکار، میں پڑھیا ہویا نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے سینے لا لیا اور نبی علیہ السلام نو کٹیا، نبی علیہ السلام نو سینے لا کے کٹیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پڑھیا سورہ الگ دیاں ایتاں نازل ہوندیاں نے، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے جڑی قرآن پاک دی صورت نازل ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام تے پہلا نزول ہویا، ویدہ نزول ہویا ہے، نبی علیہ السلام تے فطری خوف تاری ہو گیا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل دیا اپنے گھر دے اندر پہنچے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا رنگ اڈیا، فطری خوف نبی علیہ السلام تے تاری ہے۔ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ کے فرماندیاں نے، اے محبوب جی تانوں کی ہو گیا، پریشانی دے عالم اندر ہو۔ نبی علیہ السلام نے ساری گل بات دسی ہے۔ سیدہ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑا پیار کرن والیاں نے، فرماندیاں نے محبوب جی اللہ تواڈے ورگیاں نو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تواڈے ورگیاں نو ضائع نہیں کرے گا۔ بابو جی تسی تے لوگاں دے کام آنے والے ہو، تسی تے بے قصاں دے کام آنے والے ہو۔ بابو جی کماندے تسی اور کھاندے لوگ نے، انہاں غریباں دا بوجھ اپنے کندھیاں تے اٹھا کے تسی چل دے ہو۔ اللہ پاک تانوں اتنا بلند و بالا اخلاق دا مالک بنایا ہے۔ آ ویکھو ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ دا اخلاق بیان کر رہی نے۔ آؤ ایک اور حدیث پاک توجہ دے نال سنیا جائے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر صحابہ اکرام پہنچے نے۔ صحابہ اکرام نے جا کے نبی علیہ السلام دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ماں جی خدیجہ، ماں جی عائشہ فرماندیاں نے کون ہے؟ صحابہ اکرام فرماندے نے اسی نبی علیہ السلام دا اخلاق پوچھن واسطے آئے ہاں۔ ماں جی فرماندیاں نے کیا تسی قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تے قرآن نہیں پڑھیا؟ صحابہ اکرام فرماندے نے اما جی قرآن تے پڑھتے رہنے ہاں۔ اما جی فرماندیاں نے جائیے سارا قرآن میرے محمد دا اخلاق و کردار ہے، جائیے سارا قرآن پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق ہے۔ ماں جی فرماندیاں نے کان کھولو کو ہول قرآن، کان خلقو حل قرآن۔ فرمایا جائیے سارا قرآن پیغمبر علیہ السلام دا خلاق ہے، یعنی قرآن پاک دی ایک ایک آئے دی تفسیر پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی ہے۔ آؤ لوگو قرآن پاک نال یاری لاؤ، انشاءاللہ قرآن پڑھو گے۔ قرآن پڑھ دیو ماشاءاللہ، قرآن دے نال جنہ تہاڈا گہرا تعلق ہوئے گا نا، اللہ پاک تانوں انی بلندیاں عطا کرے گا۔
यारी नाल कुरान दे लाले तू अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू। जरा हिम्मत करो, जरा मोहब्बत से बोलो, जरा प्यार से बोलो। गर्मी तो नहीं लगती, कारी साहब नूं लगती उन्हें बारियां खोल दित्तियां। यारी नाल कुरान दे लाले तू अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू। दिन रात कुरान तू पढ़िया कर, राजी रब रहमान नू करिया कर। जंती दर्जिया ऊपर चढ़िया कर, पढ़ कुरान ते सीने ला ले तू। यारी नाल कुरान दे लाले तू अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू। हाई जरा बात वजो दे नाल सुनिए जो पैगाम मैं देना चाहना वा। कुरान पढ़िए इंशाल्लाह, कुरान दे नाल यारी लाओगे, कुरान दे नाल अपना राबता मजबूत करो, कुरान पाक दे नाल अपना राबता मजबूत करो। आइए तवज्जो ना जो बात मैं सुनानी चाहना गौर दे नाल सुनिए। ओ यारी नाल कुरान दे लाले तू अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू। एक हरफ तू पढ़े पढ़ावेगा, दस नेकियां रब कोल पावेगा, विच जन्नतियां लिखिया जावेगा, विच चाती हदीस दे पाले तू। यारी नाल कुरान दे लाले तू अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू। ए करम खुदा फरमाया है सानू पाक कुरान अताया है। अल्लाह पाक दा करम है साडे ते, इंशाल्लाह रब करम साडे ते फरमाया है सानू पाक कुरान अताया है। किसे होर उम्मत दे हिस्से नहीं आया है, पढ़ सुबहान ते सीने ला ले तू। यारी नाल कुरान दे ला ले तू अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू। जे बेली तेरा कुरान होवे काटी कबर वाली आसान होवे, जे बेली तेरा कुरान होवे काटी कबर वाली आसान होवे। दुख दर्द ना विच मैशर मैदान होवे, पढ़ बिस्मिल्ला अमल कमाल है तू। यारी नाल कुरान दे लाल है तू अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू। अम्मा जी फरमांदियां ने और मैं कान खोल को हुल कुरान, कान खुल को हुल कुरान। आइए सारा कुरान पैगंबर इस्लाम दा अखलाको किरदार है। आओ ज्यादा लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करनी, चंद बातें जरा मुहब्बत दे नाल सुनिए। कैसा पैगंबर इस्लाम दा किरदार है, जिंदगी इस तरह की गुजारो जिवें पैगंबर इस्लाम ने सानू गुजार के दिखाई है। जिंदगी उस तरह गुजारो जिवें सहाबा इकराम ने गुजारी है। आओ एक और दलील सुनिए, इमाम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे 10 साल खिदमत करने वाले हजरत अनस रजी अल्लाह तआला खादिमे रसूल ने फरमांदे ने, मैं 10 साल पैगंबर इस्लाम दी खिदमत कीती है, मैं 10 साल पैगंबर इस्लाम दी नौकरी कीती है। नबी अलैहिस्सलाम ने 10 साल दे अंदर मैनू झगड़ चिगड़ जनाब डांटना ते दूर दी बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने मैनू कदी उफ तक भी नहीं आखिया। आओ ऐ वेखो नबी
नबी अलैहि सलाम दा नौकरां दे नाल कितना प्यारा अखलाक है। हजूर अलैहि सलाम अपने खादमा दे नाल कैसी प्यारी जिंदगी गुजार रहे ने। आओ जरा एक और बात तवज्जो दे नाल सुनिए। मैं दुआ करदा जे आमीन कह देना, ए मेरे अल्लाह मेरे समेत हर मुसलमान दा किरदार ऐसा बना दे। आओ एक और दलील जरा मुहब्बत दे नाल सुनिए। नबी अलैहि सलाम दा किरदार बच्चियां दे नाल किस तरह दा किरदार है। इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पे पढ़ा रहे ने। बोलो नमाज नमाज पढ़ा रहे ने नबी अलैहि सलाम। ते नबी अलैहि सलाम ने ना सजदा लंबा कर दिता। एक सहाबी ने ना सजदे दे विच ही ना अपना चेहरा उठा के ना वेखे आगे दे नबी अलैहि सलात व सलाम नू की मामला बन गया इतना लंबा सजदा। फरमाते ने कि नबी अलैहि सलाम अल्लाह को तो नहीं चले गए, फौत तो नहीं हो गए, हजूर अलैहि सलाम अपना सारी नहीं सजदे उठा रहे। फरमाते ने मैं जो सिर ऐसा अपना सजदे उठाया तो मैं वेखिया नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कमर मुबारक ते आप दे ऊपर हसन हुसैन बैठे हुए। हसन हुसैन बैठे हुए हजूर अलैहि सलाम ने मुहब्बत दे अंदर आके सजदा लंबा कीता और इतना लंबा सजदा पैगंबर अलैहि सलाम ने कीता हत्ता के जब वो बच्चे आप परे नहीं हो गए नबी अलैहि सलाम ने अपना सर सजदे उठाया सलाम फिरी। किसी सहाबी रसूल ने यह नहीं फरमाया महबूब जी साड़ी नमाज खराब हो गई है इन्हों बच्चों घर सामभण वाला कोई नहीं। किसी सहाबी रसूल ने कोई बात नहीं की। ऐ जड़े बच्चे ने ना बच्चे मेरे वाल वेखो ए बच्चे जड़े ने जो ये मसीतों में आ जाण तो इन्हों डांटिया ना करो बल्कि मुहब्बत के नाल इन्हों समझाया करो बेटा इस तरह नहीं इस तरह करो। जो बच्चों नूं डांटांगे फिर बच्चे कभी मसीते आन नूं तैयार नहीं होणगे। कई जगह ते अल्लाह जानदा बच्चा माड़ी जी शरारत कर लवे ना बाबे साढ़े फिर उन्हें मसीतों कट के सह लेंदे ने। और बोलो तो सही होंदे कि नहीं। और मैं मौलाना अब्दुल्ला साहब बैठे ने अभी मंडी अहमदाबाद और कंगनपुर के इलाके इंडिया के बार्डर के लागे प्रोग्राम से उत्थे गए इशा की नमाज पढ़ के फारग होए ना उत्थे एक बाबे ने डांग चुकी हुई। अब बाबा की है और बच्चे शरारत करते ही जलसा थी तो बच्चे बेचारे आते हैं बच्चों ने शरारत की बाबे ने डांग लैके पिछे चढ़ गए। बच्चों मसीतों कढ़ोगे तो फिर बच्चे मसीतों च आने तैयार नहीं होंगे। हजूर अलैहि सलाम ने किसी सहाबी रसूल ने नहीं कहा महबूब जी साड़ी नमाज खराब हो गई है इन्हों बच्चों घर सामभण वाला कोई नहीं। जे नबी अलैहि सलाम की नमाज खराब नहीं हुई तो बोलो साड़ी भी खराब नहीं होएगी। ऐसा किरदार बनाइए बच्चों के नाल आइए भाई इन्ना कल आला खोलो के नदीम। आओ जरा एक और दलील तेरा तवज्जो नाल बात सुनिए। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर नफली नमाज पढ़ते बैन गल सुनने वाली है मुहब्बत दे नाल। नबी अलैहि सलाम अपने घर नफलो नवाफल पढ़ते पैने सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला दी बेटी उमामा रजी अल्लाह तआला ना ऐसा रिड़दियां छोटी जी बच्ची है रिड़दियां नबी अलैहि सलातो सलाम दे कोल आंदी है। नबी अलैहि सलातो सलाम नमाज पढ़ते पैने हजूर अलैहि सलाम ने नमाज पढ़दियां पढ़दियां उस अपनी नवासी नूं चौके सीने दे नाल ला लिया है। नबी अलैहि सलाम नमाज पढ़ते पैने जो नबी अलैहि सलाम रुको जाते बच्ची नूं नीचे रख देंदे जो सजदा करते उदो बच्ची नूं नीचे रख देंदे फिर नबी अलैहि सलाम क़याम वास्ते खड़े होंदे आप बच्ची नूं अपनी नवासी नूं उठा के अपने सीने नाल ला लेंदे। लोगों नबी अलैहि सलाम सलाम बच्चियां दे नाल इतना प्यार करिया करदे नबी अलैहि सलाम इतनी मुहब्बत का इजहार फरमाया करदे। आओ जरा बात तवज्जो दे नाल सुनिए बच्चों के नाल तुहाडा किरदार इस तरह का होना चाहिए है जिवें नबी अलैहि सलाम का किरदार है। आओ एक और हदीसे पाक सुनावा। इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हुनैन तो वापस मक्के जा रहे ने। मैं दुआ करता जे कोई जुबान खामोश ना रवे ऐ मेरे अल्लाह हर मुसलमान नूं मरन तो पहले
मक्का पाक मदीना पाक की हाजरी नसीब फरमा दे। दुआ कर दे रहा करो, इंशाल्लाह रब कबूल करने वाले ने। एक दुआ और कर दियो, बारिश का मौसम बनया है, अल्लाह सोना अपनी रहमत दी ठंडी मिठी बारिश नसीब फरमा दे। अल्लाह तेरी मखलूक बड़ी परेशान है, जानवर मर रहे ने, इंसान फोत हो रहे ने, चोलस्तान के इलाके च वेखो, थर दे इलाके च, इधर सिंध वाली सेठ ते वेखो, पानी खत्म हो गया है। अल्लाह अपनी मखलूक ते रहम फरमा के अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। ऐ धोबी कार सुबह नमाज इस्तिस्का पढ़ाई गई है, हाफिज़ मसूद आलम साहब ने पढ़ाई है, मुल्क के मुख्तलिफ तोलो अर्ज़ के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर दुआवां हुई ने, अल्लाह पाक ने कबूल फरमा ली है। आ छटा लग गया है, अल्लाह को दुआ करो अल्लाह खोल के रहमत का छटा ला छड़े। अल्लाह पाक को दुआवां कर दे रहा करो, अल्लाह अपनी मखलूक ते रहम फरमा थे। ऐ दुआ है अल्लाह मखे पाक मदीने पाक दी हाजरी नसीब फरमा दे। अल्लाह पैसों का मोहताज नहीं, बोलो पैसों का मोहताज। मैं ते खरबा पत्ती वेके जिन्ना कोल पैसा इन्ना दौलत इन्नी है, मगर जाना नसीब नहीं होंदा। कई ऐसे ने जिन्ना घर दो टाइम दी रोटी नहीं पकदी, कई मरतबा हो आए ने। आइए तवज्जो फरमाइए, मक्के ते मदीने दी के आशान निराली, मक्के ते मदीने दी के आशान निराली लिए, जिथे टुरदा रिया लोको कौनैन दवालिए, मक्के ते मदीने दी के आशान निरालिए, जिथे टुरदा रिया लोको कौनैन दवालिए, मक्का शहर निरालाए मदीना बरकत वालाए। इन्ना दोआ शहरां दी रब कीती आप रखवालीए, मक्के ते मदीने दी के आशान निरालीए। ए जुमला बड़ा प्यारा मोहब्बत दे नाल सुनन वाला है। मक्के दियो नी गलियो सोने दियो नी डलियो, नहीं बोलते जा उची को सुभान अल्लाह। अल्लाह जेड़े उची कहिंदे ने ऐसे टाइम ही मक्के मदीने दा कोई सबाबिया दा फरमावे। आओ जो पैगाम मैं देना चाह रहा मोहब्बत दे नाल सुनिए। मक्के दियो नी गलियो सोने दियो नी डलियो, तुसां रज रज तक आए जेदी कमली काली है। मक्के ते मदीने दी के आशान निराली है, हर मैन चले जाओ अखी वे खाओ कन्नी सुने आओ। ए जुमला सुटन वाला नहीं, बड़ी मोहब्बत दे नाल सुन वाला है, पूरे शौक दे नाल सुनिए। हर मैन चले जाओ, हर मैन चले जाओ अखी वे खाओ कन्नी सुने आओ। मीनारा विचों गूंज दिए लोगो अजान बिलालिए, हर मैन चले जाओ अखी वे खाओ कन्नी सुने आओ। मीनारा विचों गूंज दिए अजान बिलालिए, मक्के ते मदीने दी लोगो शान निरालिए। अगली बाजरा इस तो भी प्यारी है। अबू बकरो उमर निराले ने फुल खुशबुआ वाले ने,
अबू बकर उमर निराले ने फुल खुशबुआं वाले ने इन्ना फुलां दे विच सुता लोग बाग दा माली है मक्के ते मदीने दी लोगो शान निराली है। मियां अब्दुल्ला साहब जरा मुहब्बत करिया जो पैगाम देना चाहना वा अल्लाह मेरे वीर दे चैनल नु दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा दे। अब्दुल्ला सलाम एक सेंटर सब्सक्राइब करोगे इंशाल्लाह उलमा इकराम दिया तकरीरा ये भी मेरी भी इंशाला चढ़ जाएगी। अब्दुल्ला इस्लामिक सेंटर मियाँ अब्दुल्ला साहब इन्हों के वालदे मोहतर मियाँ जकरिया साहब अल्लाह दोवे प्यो पुत्रा सेहत ते ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमा थे। हुण इन्हां दी नज़र मैं एक जुमला करन लगा तवज्जो ना सुनिए। रातें भी मदीने की नहीं बोले मैं दुआ करन लगा ओ बोलो भाई राशा साहब बोलो मोहब्बत से बोलो। रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की जीने में वो जीना है क्या बात है जीने में। रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की अरसा हुआ गुजरे थे तैबा की वो गलियों से अरसा हुआ गुजरे थे तैबा की वो गलियों से इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की जीने में वो जीना है क्या बात है जीने में। अल्लाह इन्ना दे दिल में मक्के मदीने तड़प पैदा हो गई है। ऐ मेरे अल्लाह सबब ला दे मक्के मदीने दी हाजरी नसीब कर दे। अल्लाह इसे साल ही लै जा अल्लाह हज आ रहे हज ते लै जा। आइए तवज्जो फरमाना जो पैगाम मैं देना चाह रहा वा नबी अलैहि सलाम हुनैन तो गल भुलते नहीं गए बोलो हुनैन तो नबी अलैहि सलाम कितने जा रहे हैं मक्के मक्के जा रहे हैं नबी अलैहि सलाम। नबी अलैहि सलाम ने अगे वेख्या बच्चे खड़े ने बच्चे यहूदियां दे ने। नबी अलैहि सलाम ने पता की वेख्या नाल इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ना प्यारे बिलाल ने कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाल ने नबी अलैहि सलाम वल्लों वेख के ना यहूदियां दे बच्चे पता की कहंदे ने ऐ मुसलमाना दे नबी ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड़ा नाल है ना बिलाल है ते बैतुल्लाह पता की कहंदा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की कहंदा है अजान आंदी जे माशाल्लाह अजान जे आउंदी ना दया करो। एक बंदा मैनू कहण लगा मैनू शौक बड़ा सी अजान देण दा मैं हिम्मत करके ना ते मसीते चला गया बाहरों गेट का कुंडा ला लिया गेट बंद कर लिया फिर मैं मसीत जो स्पीकर दे के आड़े मेरी लत्त इंज इंज करना इंज मैं कहा पुत्र मौलवियों का ही हौसला है आवाम दे अगे बोलते आंदा कि मैं तेरी लत्तां क्यों कंबदी है शर्म आती मैं मौलवी बेशर्म होंगे बोलते नहीं मौलवी बेशर्म होंगे अजान दिया करो अजान देना अल्लाह जान दे इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सलाम फरमा देने मुअज्जिन जड़े होणगे ना कयामत आले दिन गर्दना लंबिया होणगियां बोलो बोलो गर्दना लंबिया होणगियां
और सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला की क़यादत के अंदर वो जन्नत विच जाणगे। जाउंदी है ना, शर्माया ना करो, दया करो। रोजाना कहन लगे ऐ नबी मुसलमाना दे नबी मुहम्मद सल्लम ने अनाल बिलाल अजान देंदे हुण हैन बच्चे यहूदियां दे ने नकल मुसलमाना दी उतार रहे ने अज बच्चे मुसलमाना दे ने गल्लां बोलो उन्हें गल झूठी तो नहीं जिहड़ी मैं कीती है न वह बच्चे यहूदियां दे ने नकल मुसलमाना दी उतार दे फैन है बच्चे मुसलमाना दे ने नकलां यहूदियां दियां उतार दे ने शकल भी यहूदो नसारा वर्गी लिबास भी यहूदो नसारा वर्गा ऐ मेरे अल्लाह मुसलमाना दे हाल ते रहम फरमा दे। नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने वेख्या आप अलैहिस्सलाम सलाम वेंदे पै ने सुनते पै ने यह बच्चे अजान की नकल उतार रहे ने बिलाल की नकल उतार रहे ने उन्होंने अंदर एक सहाबी है जनाब एक बच्चा सहाबी बनने वाला है सैयदना अबू महजूरा रजी अल्लाह तआला ने छोटे जे बच्चे गल गौर ना सुनया जे है छोटे जे बच्चे ने आवाज़ अल्लाह पाक ने बड़ी प्यारी दिती है नबी अलैहिस्सलाम ने उन्होंने बच्चों दियाँ अजाना सुनिया ने अबू महजूरा अल्लाह पाक ने बड़ी खूबसूरत आवाज दी हुई है बड़ी खूबसूरत आवाज दी नबी अलैहि सलाम ने सुनी है हजरत अबू महजूरा की आवाज सुन के नबी अलैहि सलाम का दिल ठर गया है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बुला के ले आंदा गया बच्चे डर गए। नबी अलैहि सलाम फरमाते ने की कह रहे सो हजरत अबू महजूरा फरमाते ने असी डर गया कि सानू डांटनी ना। नबी अलैहि सलाम फरमाते ने प्यारे अजान सुना जिहड़ी नकल उतार कहन लगे जी मैं ते अजान पिया पढ़ रहा सा। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने दोबारा फिर पढ़िया। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आवाज मैनू बड़ी प्यारी लगी है इधर अबू महजूरा अजान दे रहे ने नबी अलैहिस्सलाम दे दिल विच मुहब्बत उतरदी जा रही है। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह दे हुजूर दुआ कर रहे ने फरमाया मेरे अल्लाह इस बच्चे की आवाज बड़ी प्यारी है कलमा नसीब फरमा दे अल्लाह आवाज बड़ी प्यारी है इनू कलमा नसीब फरमा दे। अबू महजूरा फरमाते ने मैं अजान दे रहा इधरों नबी अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली है। अबू महजूरा फरमाते ने पता नहीं मैनू की हुंदा जा रहा मैं अजान दिंदा जा रहा वहां नबी अलैहिस्सलाम की मुहब्बत दिल अंदर उतरती जा रही है। जदों नबी अलैहिस्सलाम ने अजान सुना दी है कहन लगे महबूब जी मैनू कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे हो। नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमान कर दिता कलमा पढ़ा के इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करके जेब अंदर हाथ मारे आ। नबी अलैहिस्सलाम दे ओ जनाब अशरफियां हाथ अंदर आईया। नबी अलैहिस्सलाम ने बतौर इनाम दिता अबू महजूरा नो जान लगे अबू महजूरा रजी अल्लाह फरमांदे ने ऐ महबूब जी एक गल करना चाह रहा वा। कहन लगे दसो केड़ी गल करना चाहते हो। अबू महजूरा फरमांदे ने सोणिया ऐ बिलाल जिवें अजान देंदे मैनू भी बैतुल्ला दा मुअज्जन बना दियो जिमें बिलाल मुअज्जन है बैतुल्ला दा महबूब जी मैनू भी इस तरह का मुअज्जन बना दो। नबी अलैहिस्सलाम की जुबान चो अल्फाज निकल गए जुबान केड़ी अल्लाह पाक ने फरमाया और मैं वल्ला जिमी इज़ा हवा वन्नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा। ऐसी जुबान है जो अल्लाह दे हुक्म तो बगैर कलाम नहीं करती। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अबू महजूरा सुन ले फरमाया तू बच्चा है तू जवान होएगा आ वेखो खुदा दी कसम बड़ी प्यारी रवायत है फरमाया अबू महजूरा तू बच्चा है तू जवान होएगा तेरी शादी होएगी फरमाया के तेरे बच्चे भी होंगे अबू महजूरा तुम्हें बैतुल्ला दा मुअज्जर रहेगा क़यामत तक तेरी आल औलाद भी बैतुल्ला दी मुअज्जर रहेगी।
आज भी बैतुल्ला अंदर जरा खुश नसीब अजान दे रहा है। अल्लाह जानदा अबू महजूरा दी आल औलाद अंदर है। अल्लाह की कसम है अबू महजूरा दी नसल दा आदमी है। आइए तवज्जो फरमाइए, जो पैगाम मैं देना चाह रहा वा नबी अलैहिस्सलाम दा किरदार हुजूर ने जिंदगी गुजारन दा सलूक बयान किया है। और मैं के नून वल कलम व मा यस्तुरून मा अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम। आइए दो बातें करके अपनी बात को ख़त्म करा। हजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी गुजारन का असूल देखिए, पैगंबर अलैहिस्सलाम जिंदगी किस तरह गुजार के गए ने। हजूर अलैहिस्सलाम बच्चियां नाल आप दी जिंदगी गुजारन का तरीका देखिए, नबी अलैहिस्सलाम दा बच्चियां नाल जिंदगी गुजारन का तरीका देखिए, हजूर दा अपनी उम्मत नाल जिंदगी गुजारन का तरीका देखिए, नबी अलैहिस्सलाम दा काफरां दे नाल जिंदगी गुजारन का सलूक देखिए। आइए जरा सुनिए इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगार दे अंदर अल्लाह अल्लाह कर रहे ने, मक्के दे अंदर आया है। जनाब जमादत दी आ गए है, जमादत दी दम झाड़ दा काम करदा है, जिन्नात वगैरह निकालदा है। तब जो फरमाओ जो पैगाम मैं देना चाहना वा, मक्के वालियां ने जमादत दी नु बुला लिया है। कहन लगे जमादत दी इधर आ साडी गल सुन लै। कहन लगे की कहना चाहते हो? यमन दा रहण वाला है। कहन लगे साडे एक रिश्ते दार ने जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने पता नहीं की हो गया, वह बैकियां बैकियां उस बिल्ला गल्ला करते हैं, पता नहीं केड़ा मसब लैके आ गए ने, पता नहीं केड़ा दीन लैके आ गए ने, पता नहीं किहोजियां गल्लां करते हैं। कहन लगे उन्होंने लगता कुछ मामला बन गया, बाहर की कसर ना उस बिल्ला हो गई है। समाज दसदी कहन लगे बहुतियां गल्लां ना करो, मैनू राह दसो हैण किथे ने। कहन लगे वह हार दे अंदर जनाब बैठे हुए ने, अल्लाह अल्लाह कर रहे ने, जमा दसदी गए है, जाके लैक सलैक हुई है, सलाम दुआ हुई है। नबी रहमत अली सलाह सलाम नु कहन लगा, महबूब जी तुहानु लगदा कोई बाहर का मसला बन गया है? नबी अले सलाम फरमा दे रहे, यार कितों आया है? कहन लगा जी यमन दे विचों आया वा। नबी अले सलाम फरमा दे रहे, तेरा नाम की है? कहन लगे जी मेरा नाम जमा दसदी है। नबी अले सलाम फरमा दे रहे, कितों आया? यमन दे विचों आया वा। कहन लगे की करना? कहन लगा दम झाड़ का काम करना वा, जिन्हों को मामला बन जाए तो जिनशन भी कर देना वा। सुनिए नबी अलैहिस्सलाम की फरमाते ने, यार जे तू आई गई है तो सुन ले पहले, मेनू मसला की है, मेरी बीमारी तो सुन ले। नबी अलैहिस्सलाम नु कहन लगा जी दसो तुहानू की मसला बन गया है? इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, सुन फिर मैनू की मसला बन गया है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरी अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाह जानदा है जदों मैं खुतबा पढ़ना वा, मेरी जमात दे बुजुर्ग आलमे दीन बकियातु सलफ फजीलातु शेख, अल्लाह कसम साढ़े वो बुजुर्ग मौलाना अब्दुल गफूर नाज़िम आबादी रहमतुल्लाह अलैह याद आ जाते ने। अल्लाह जानदे मौत होवे, ऐसी मौत होवे, दुआ करदा जे कोई जुबान खामोश ना रवे, अल्लाह मौत आनी है। अल्लाह सब दा खात्मा ईमान ते फरमा दे, अल्लाह सारियां दा खात्मा ईमान ते कर दे। बाबा जी असरा चार भाई बैड ते लेटे ने हॉस्पिटल दे अंदर, मौलाना अब्दुल गफूर नाज़िम आबादी रहमतुल्लाह अलैह असरा बैड ते लेटे ने, जिंदगी मौत दी कशमकश अंदर ने, मौत दियाँ सख्तियां ने, मौत दियाँ सख्तियां तो नबी अलैहिस्सलाम ने पनाह मंगी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मेरी उस वक्त मेरी मदद फरमाई, मौलाना असरा बैड ते लेटे ने ते मौत दी जिंदगी कशमकश अंदर ने, मान दे विचों की निकले है? पर मानते नहीं, इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरी अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लह व मन युज़लिल फला हादिया लह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु
وحدہو لا شریک لا واشہد ان محمدن عبدہو ورسولو. کوئی گالیاں کٹ دا مر جاندہ ہے, کوئی زبان چلف نکلیا مر جاندہ ہے. مولانا عبدالغفور ناظم آبادی رحمت اللہ لے اے خطبہ مسنونہ پڑھ دے پہنے, اللہ دی توحید بیان کر رہنے, نبی علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھ دینے. ادا دی قسم زبان چو آخری وقت اے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے, ایدہ نزول ہو گیا, اے آیت مبارکہ پڑھ دینے کیڑی آئے نے. فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اے آیت کریمہ پڑھیے, اے دیکھو موت زندگی دی کشمکشاں دا اینو خاتمہ ایمان تے کہندے نے. آو ذرا توجہ فرمانا, نبی علیہ السلام خطبہ پہ پڑھدے نے, خطبہ مسنونہ پڑھدے نے. جماعت دسدی نبی پاک دا خطبہ سندا جا رہا ہے, روندا جا رہا ہے. ہن نبی علیہ السلام دا کردار کی, نبی علیہ السلام نو کہن لگا محبوب جی دوبارہ پھر پڑھیا جے. آ پھر فڑ دے پیا, پھر پیا فرما دے, ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. خطبہ پڑھیا, جماعت دی روئی جا رہی ہے. نبی علیہ السلام نے خطبہ ختم کیتا, کہن لگا محبوب جی دوبارہ پھر پڑھیا جے. نبی علیہ السلام نے پھر پڑھیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگا محبوب جی مینو ہن کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو, ہوں میں نہیں جانا, مینو کلمہ پڑھا کے بولو مسلمان کر لو. اے جے حضور دی زندگی, اللہ دی قسم کافرہ دے نال پیغمبر دا حسن سلوک کیا ہے. آئیے لوگو آخری گل کر اپنی بات نو میں ختم کرن لگا, محبت نال سنیے. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم. نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے کتنا پیارا کردار عطا فرمایا ہے. آئیے ذرا سنیے, آیا یمن دے وچوں ایک رہن والا عمر بن طفیل دوسی آئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہے بڑا پڑھیا لکھیا آدمی, پڑھیا لکھیا آدمی, بولو پڑھیا لکھیا. گل ختم ہو لگی ہے, بولو پڑھیا لکھیا آدمی. آیا مکے دے اندر آگے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے نا, مکے والے پتہ کی کہہ رہے نے؟ مکے والے کہن لگے کہ چنگے ٹائم تے آ گئے ہو. بولو چنگے ٹائم تے آ گئے ہو. کہن لگے کی ہوا ہے؟ کہن لگے ساڈے ایک رشتے دار نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ساڈے رشتے دار نے تے پتہ نہیں جیڑا انہاں دی گل سن لیندا ہے پھر ساڈے جوگا رہندا, پتہ نہیں وہ جادوگر نے نعوذ باللہ, پتہ نہیں کی گل ہے. ہن جنوں خالص قرآن تے خالص حدیث لبے وہ چھڈ کے کدے جاندا ہے؟ بول دے نہیں جے, سارے بولو. قرآن و حدیث تو بعد کوئی مٹھی شے ہے؟ کوئی نہیں. کہنے لگے پتہ نہیں کی گل ہے, جیڑا انہاں دی گل سن لیندا رہندا نہیں, ساڈے جوگا رہندا ہی نہیں. عمر بن طفیل تو اسی کہنے لگے میں پڑھیا لکھیا آدمی ہاں, مینوں کوئی زبردستی کلمہ پڑھا لیا نا. انہوں نے کہا کہ وہ دے لاگے نہیں جانا. مکے والے ویکھو کیویں انہوں نے یا مس گائڈ کر رہے ہیں, انہوں نے لاگے نہ جایا جے. انہوں نے ایسا کنا وچ روئیاں پا لیا, بولو کنا وچ روئیاں پا لیا. کہنے لگے نہ میں انہوں کی گل سنا گا تے نہ میں انہوں کا کلمہ پڑھا گا, مینوں کوئی زبردستی کلمہ پڑھا لیا نے. اچھا میں کہنا عمر بن طفیل دوسی تسی آپ نہیں آئے, اللہ سونے نے ٹور کے توانو پیغمبر دا صحابی بنانا ہے, کتھوں رب نے یمن تو ٹوریا مکے لے آندا. نبی علیہ السلام نو پتہ چلیا, نبی علیہ السلام نے بھی اپنے جڑے صحابہ مسلمان ہوئے سن لے کے آ گئے. نبی علیہ السلام فرمان لگے چلو چلیے جا کے نا تبلیغ کر کے آئیے. نبی علیہ السلام آئے تے عمر بن طفیل دوسی نا
बैतुल्ला का तवाफ करते ने, बैतुल्ला का तवाफ कर रहे ने, नबी अलैहिस्सलाम भी आए। इस तरह बैतुल्ला का तवाफ कर लग गए तो लागे लागे नबी अलैहिस्सलाम हो गए कुरान पे पढ़ते ने। अज अल्लाह जानता है इमामे काबा कुरान पढ़े बंदा खुश होंदा यार, पढ़ते रहन सुनते रहिए। कोई नामवर कारी सोहना कुरान पढ़न वाला अज कुरान पढ़े तो बंदा कहिंदा यार सुनते रहिए। कदी वो भी अपने जहन दिलो दिमाग अंदर ख्याल पैदा करो जिस हस्ती मुकद्दस से कुरान नाजल होया है, जो वह हस्ती कुरान पढ़ते हो कैसा नज़ारा होएगा, कैसा समा होएगा। नबी अलैहिस्सलाम लागे लागे हो गए कुरान पे पढ़ते ने। जो उमर बिन तुफैल दोसी के कन अंदर वाह नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ गई है, इस तरह रू कढ़िया नबी अलैहिस्सलाम का कुरान सुन लग पे। फिर ए भी कन चो रू कढ़िया नबी अलैहिस्सलाम का कुरान सुन लग पे। तो नबी पाक का चेहरा वेख के पुकार उठे, कहन लगे कि एडा खूबसूरत चेहरा किसी झूठे का हो सकता नहीं। नबी अलैहिस्सलाम रोक के कहन लगे महबूब जी मक्के वालिया ने गलत बात कही है, इन्होंने तुहाड़े बारे मैनू बड़िया गल्लां कीतियां ने, पर जिड्डा सोहना तुहाडा मुखड़ा है इंज दा किसी झूठे का हो सकता नहीं हो सकता। महबूब जी हुण जाना नहीं जे, मैनू कलमा पढ़ाओ तो अपना उम्मती बना लो, अपना सहाबी बना लो। आ देखिए जिहड़ा हजूर अलैहिस्सलाम दे कोल आया कलमा पढ़न तो बगैर नहीं रहा, जिन्हें हजूर की बात सुन लीए अल्लाह की कसम है वह किसी जोगा रहा नहीं। इस वास्ते अपनी जिंदगी इस तरह की बना लो, इस तरह की जिंदगी अपनी बना लो कि तुहाडे वालों वेख के गैर मुस्लिम मुसलमान बन जान। ऐ मेरे अल्लाह मेरे अंदर भी कमी है, तुहाडे अंदर भी कमी होएगी। ऐ मेरे अल्लाह मेरे समेत कुल मुसलमानों नूं अल्लाह इस तरह का मुसलमान बना दे जिवें तुहानूं पसंद आ जाए। अल्लाह इस तरह का मुसलमान बना दे, अल्लाह सानूं मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा दे। अकूल कौली हाजा व आखिर दवाया अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा दोस्तों बात यह है, नात भाई असल च ना थोड़ा जा लेट आए ने, मैं दोस्त चलो एक और सुन लो, सुनना चाहते हो इंशाल्लाह बोलो। मक्के ते मदीने दा बाजार वेखिया, दिल दा मैं चैन ते करार वेखिया, जिथे महबूब सोने तलियां चलाइया ने, उन्हां थावां दियां अल्लाह कसमां उठाइया ने, और रहमतां दा उथे अंबार वेखिया, दिल दा मैं चैन ते करार वेखिया, ओ चलदे रह उमर सिद्दीक नाल नाल ने, ओ चलते रह उमर सिद्दीक नाल नाल ने, अली उस्मान नाले हमजा बिलाल ने, ओ टुरदे रह उमर सिद्दीक नाल नाल ने, अली उस्मान नाले हमजा बिलाल ने, ओ एक एक साथी वफादार वेखिया, ओ दिल दा मैं चैन ते करार वेखिया, ओ माल ते औलाद नाले वतन वारी जांदे ने, ओ माल ते औलाद नाले वतन वारी जांदे ने, ओ तन मन दान सब कुछ वारी जांदे ने, ओ यासर खुबैब ते अमार वेखिया, ओ दिल दा मैं चैन ते करार वेखिया, ओ बैतुल्ला दा नजारा नाले बहारो दी वाखे। तवज्जो ना जुमला बड़ा प्यारा है, ओ बैतुल्ला दा नजारा नाले बहारो दी वाखे, एक पढ़िए निमाज बन जांदी लख उची कौ सुभान अल्लाह। अल्लाह इस तरह दी नमाज़ां बैतुल्ला पढ़न दी तौफीक अता फरमा दे। ओ बैतुल्ला दा नजारा नाले बहारो दी वाखे, ओ पढ़िए एक निमाज बन जांदी लाखे, ओ नूर दा मैं रोशन मीनारा वेखिया, ओ दिल दा मैं चैन ते करार वेखिया। आइए जरा तवज्जो ना बात सुनिए जो मैं पैगाम देना चाहना वा। ऐ मेरे अल्लाह साढ़े फुकदान बड़े
ऐ मेरे सोने रब्बा सानू पंज वक्त दा नमाजी बना दे। और नमाजी भी इंजदा बना दे कि सोने रब्बा बैतुल्ला च भी नमाजा पढ़िए ते बोलो मस्जिद नबी च भी नमाजा पढ़िए। नबी सलाम ने पता की फरमाया, जेड़ा बंदा एक नमाज बैतुल्ला हरम च पढ़ लवे अल्लाह एक लख नमाज का सवाब देता है, तो जेड़ा बंदा जमात ना पढ़ लवे 27 लख नमाज, तो जेड़ा बंदा मेरी मस्जिद नबवी दे नमाज पढ़ लवे अल्लाह 1000 नमाज का सवाब देता है। बोलो 1000 नमाज का सवाब देता है। इस वास्ते अल्लाह पाक को ना दुआ करते रहा करो, करते रहा करो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमाएगा। अल्लाह उत्थे इंशाल्लाह ये सआदत मैनू भी नसीब इंशाल्लाह करनगे, तुहानू भी नसीब करनगे। इस वास्ते उस घर में जाके अल्लाह तबारक व ताला रच के नमाज़ा पढ़न दी, रच के इबादत करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। और जो सुनया सुनाया अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। इंशाल्लाह अज पहला दरस सी, ते हर इतवार दी इतवार इंशाल्लाह इस मस्जिद के अंदर वही पुरानी रूटीन। रमज़ान का महीना कुछ आ गया सी जिहदी वजह नाल ओ प्रोग्राम ना हो सके, तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हर इतवार दी इतवार यह दरस होया करेगा ईशा दिन बाद तो फौरन बाद। और इंशाल्लाह आइंदा हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद आबद साहेब मोमनाबाद वाले माशाल्लाह मुल्तान जुमा पढ़ाते हैं, उन्हों का इंशाल्लाह जानदार और शानदार खिताब होएगा। इस तरह मुतअद्दद उलमाए इकराम दे इंशाल्लाह खिताबात हर इतवार दी इतवार इंशाल्लाह तुहानू मिलणगे। इस वास्ते आप भी आओ, अपने दोस्तों नू भी दावत दिओ। अल्लाह पाक सब दा आना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबागी लिजलाली वजहिका वदीम सुल्तानिक। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين। ऐ मेरे पाक परवरदिगार सब दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। इलाहुल आलमीन असी बड़े गुनाहगार बड़े सियाकार अल्लाह सब दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। मेरे पाक परवरदिगार जो मुसलमान बीमार ने घरां दे अंदर हस्पतालां अंदर मुकम्मल तौर ते शफाए कामला आजला नसीब फरमा। अल्लाह जिन्हां दे वालदैन बीमार ने, अजीज़ो अकरबा बीमार ने, अल्लाह मेरे चाचा जान बीमार, अल्लाह मुकम्मल तौर ते सेहते कामला आजला नसीब फरमा। मेरे पाक परवरदिगार जितने मुवाहिदी दुनिया तो चले गए अल्लाह सब दे गुनाह माफ फरमा के दर्जात बुलंद फरमा। मेरे पाक परवरदिगार जितने मुवाहिदीन दुनिया तो चले गए मर्दो खवातीन अल्लाह सब दे गुनाह माफ फरमा के दर्जात बुलंद फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार जिन्हां दे वालदे दुनिया तो चले गए मेरे वालदे मोहतरम समेत अल्लाह सब दे गुनाह माफ फरमा। मोहतरम भाई खालस साहब दी वालदा, मोहतरमा भाई अब्दुल्ला साहब दी वालदा हमशीरा अल्लाह ऐस मजमे अंदर जो जो साडे अजीज़ो अकरबा फोत हो गए ने अल्लाह गुनाह माफ फरमा के दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह मौत आनी है कोई शक नहीं, अल्लाह जिंदगी ईमान वाली अल्लाह मौत ईमान वाली नसीब फरमा। मेरे पाक परवरदिगार आलम जितने मुसलमान परेशान ने अल्लाह परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह अपनी रहमत दी बारिश नसीब फरमा। अल्लाह तेरी मखलूक इंतहाई परेशान है, अल्लाह जानवर मर रहे इंसान फोत हो रहे, अल्लाह अपनी रहमत दी बारिश बरसा। अल्लाह गर्मी बड़ी है मौसम अंदर शिद्दत बड़ी है, अल्लाह अपनी रहमत दी बारिश नसीब फरमा। मेरे पाक परवरदिगार जो बे औलाद ने अल्लाह नेक साले नुरीना औलाद नसीब फरमा। अल्लाह जिन्हां नूं औलादां दित्तियां नी वालदैन दियां फरमा बरदार बना। अल्लाह इस मस्जिद नूं रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमा। अल्लाह जेड़े दोस्त इस मस्जिद का निजाम चला रहे ने अल्लाह मालो जान च बरकत नसीब फरमा।
मेरे पाक परवरदिगार हर इतवार दी इतवार दो खर्च करते ने अल्लाह बख्शे दा जरिया बना। अल्लाह इस मस्जिद नूं रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान मकरूद ने अल्लाह कर्जे तो रहाई नसीब फरमा। अल्लाह मेरे समेत हर मुसलमान नूं मरण तो पहले अपने घर दा हज उमरा नसीब फरमा। मेरे पाक परवरदिगार मरण तो पहले पहले अपने घर की हाजरी नसीब फरमा। या अल्लाह दिल दियां जायद हाजतां पूरियां फरमा। मेरे पाक परवरदिगार अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस। अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन नार। अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन नार। अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन नार। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबी।